हॉकी ओलंपिक में भारत ने किया कमाल, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड, सीएम ने दी बधाई। जातिगत जनगणना को लेकर राजद ने किया प्रदर्शन, सभी जिलों में डीएम को सौंपा ज्ञापन। भगवान सिंह कुशवाहा की हुई घर वापसी, लोजपा छोड़ फिर थामा जदयू का दामन, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया स्वागत। पाकिस्तान में मंदिर में हुए तोड़फोड़ का झारखंड में हुआ विरोध, जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तानी पीएम का फूका पुतला। नमस्कार, आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। भारतीय जैवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के फाइनल में इतिहास रच दिया है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अपने खेल के दौरान नीरज ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए गोल्ड पर कब्जा कर लिया। एथलीट नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी अपने ग्रुप में टॉप रहे थे। बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद भी यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है जिसे नीरज ने अपने नाम किया है। तो वहीं नीरज व्यक्तिगत तौर पर मेडल लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और इससे पहले व्यक्तिगत मेडल अपने नाम करने वाले अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में यह उपलब्धि हासिल की थी। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में 87.3 मीटर की दूरी तय की, तो वहीं दूसरी बार उन्होंने 87.58 की दूरी तय की और इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है। जेवलिन थ्रो में यह भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है और इतना ही नहीं, एथलेटिक्स में भी यह भारत का पहला मेडल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी ने राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया। हम आपको बिहार के चार अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर, नालंदा, छपरा और सुपौल की है, जहां पर तेजस्वी के आह्वान पर राजद के नेता कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है और अन्य मांगे अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर आरजेडी ने आज धरना प्रदर्शन किया। ये विशाल धरना प्रदर्शन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनके आह्वान पर किया गया। हालांकि तेजस्वी इस विशाल धरना प्रदर्शन से नदारद रहे, लेकिन उनके आह्वान पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिहार के पूर्णिया और गया में भी आरजेडी ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो देख सकते हैं ये दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। इससे पहले चार अलग अलग जगहों की बिहार की तस्वीरें हमने दिखाई, ये दो अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, पूर्णिया और गया, जहां पर जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सड़क पर आरजेडी के नेता कार्यकर्ता उतरे और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दरभंगा में भी आरजेडी ने जातिगत जनगणना और कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दरभंगा के कर्पूरी चौक से जिला मुख्यालय तक जातीय जनगणना की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। मुजफ्फरपुर के राजद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जिले के तमाम विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में जिला राजद और महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर मार्च निकाला और मार्च करते हुए जिला मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। उनका काट कर रहे हैं, जिस महागठबंधन में वो बैठे हुए हैं वही लोग उनका काट कर रहे हैं। अब सीएम तो हम लोग पहले उनको नाम उनका रखा था हम लोगों ने, और इसी के तहत हम लोगों का महागठबंधन भी तैयार हुआ था, लेकिन नीतीश जी को फिर भाजपा के चरण में जाना पड़ा।
तो ऐसे में वो सीएम पीएम मटेरियल हैं कि क्या मटेरियल हैं वो तो माँ उनका महागठबंधन तय करेगा। लेकिन जो आज नीतीश के सुशासन में भी, यहाँ तक कि हाईकोर्ट भी कहता है कि कानून और व्यवस्था बिहार सरकार की बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है। और वही रोहतास जिले के डेहरी में राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीएम के जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें उनके अफसरशाही की है, सरकार के अफसरों के सताए हुए लोग ही जनता दरबार पहुंचते हैं। संजय तिवारी के बोल देंगे। बेगूसराय में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर के बागा सामुदायिक भवन में सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडा और बैनर के साथ जुलूस निकाला। इसके साथ ही डीएम ऑफिस पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। वही प्रदर्शन कर रहे राजद नेताओं ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना जरूरी है। हम लोग जाति जनगणना के मांग को लेकर आए हैं। हम लोग का मांग है जाति आधार पर जनगणना किया जाए। हम लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। बागा सामुदायिक भवन से लेकर यहाँ समरन्यायालय चौक पर पहुँचे हम लोग। बेगूसराय छात्र राजद अति पिछड़ा समाज, हम लोग सब एक साथ होकर के पूरे राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय रोड पर उतरने का काम किया हजारों हजार की संख्या में। और मोदी जी को कह देना चाहते हैं, अगर इस आंदोलन से नहीं मानते हैं तो आगामी आने वाले समय में हम लोग पूरे बिहार पूरे देश का लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। लखीसराय में भी जातीय जनगणना आरक्षणों में बैकलॉग व्यवस्था और मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू करने की मांगों को लेकर लखीसराय भ्रमण कर जिला समाहरणालय पर सूर्यगढ़ा के राजद विधायक प्रहलाद यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना किया। उसके बाद सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव ने केंद्र सरकार के नाम एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा। जो अहमान है अहमान एक ही अहमान है कि जाति आधारित जनगणना कराइए, पशु पंछी बाघ और चीज का आप जनगणना करा सकते हैं लेकिन जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकते। इसलिए हम लोग का पार्टी की ओर से पूरा एकदम पूरे बिहार में जितना भी पार्टी का हम लोग का जहाँ जहाँ है सब आज इसी मांग को लेकर के जिला मुख्यालय में ये प्रदर्शन। जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरने, मंडल आयोग की शेष सभी अनुशंसाओं को लागू करने की मांग को लेकर मंडल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल ने आरा सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया गया है, जिसमें जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरने के साथ ही मंडल आयोग की शेष सारी अनुशंसाओं को लागू करने की मांग की है। पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में राजद ने जाति आधारित जनगणना कराने और महंगाई पर रोक लगाने और बेरोजगारी को दूर करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस दौरान शहर के महाराजा पुस्तकालय से राजद जिलाध्यक्ष इफ्तिकार अहमद उर्फ मुन्ना त्यागी के नेतृत्व में राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंचे और सरकार के विरोध में नारेबाजी की और साथ ही साथ डीएम को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय जनता दल आज पूरे बिहार में मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल पश्चिमी चंपारण बेतिया के सड़कों पर महाराजा पुस्तकालय से धरना प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर आई है। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन सौंपेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी बयान दिया है। संजय जायसवाल ने अनुरोध किया कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो वादा करना चाहिए, एक साथ समाज की जितनी संख्या है उससे ज्यादा वो टिकट नहीं देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। रहेगा कि जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनको ये वादा करना चाहिए कि एक खास समाज की जितनी संख्या है
उससे ज़्यादा वो टिकट नहीं देंगे। अंग्रेजी में कहावत होती है चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप समाज के लिए भला करना चाह रहे तो अपने से शुरू कीजिए, तो पहले वो घोषणा करें कि वो जो आबादी का अनुपात है उससे बाहर वो किसी को विधायक सांसद नहीं बनाएंगे, तब तो हिस्सेदारी अपने यहाँ से शुरू करें ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े समाज से हूँ, हमारे जो दोनों उप मुख्यमंत्री है दोनों पिछड़े समाज से हैं, सब चीज़ों की हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को अपना कार्य करना है और अच्छे से हम कर रहे हैं। बगहा में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर कांग्रेस के बगहा विधायक प्रत्याशी जय सिंह ने सैकड़ों लोगों के साथ एक दिवसीय धरना दिया। जय सिंह ने कहा कि केवल वोट के लिए शिलान्यास के नाम पर सरकार ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों से जनता बगहा में ओवरब्रिज की मांग करती है, हमेशा कहा जाता है कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सका है, इसलिए वो सरकार से जल्द ओवरब्रिज का कार्य शुरू करवाने की मांग करते हैं। तो वहीं मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। लगभग 3 साल पहले ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया। ये ओवर ब्रिज जो बगहा में बनना है वो यहाँ का लाइफ लाइन है, यहाँ किसान से लेके व्यवसायी से लेके सब लोग ये सपना देख रहे हैं कि ओवर ब्रिज बनेगा, लेकिन सस्ती लोकप्रियता को करते हुए चुनाव को देखते हुए मंत्री जी को बुलाया गया, पथ निर्माण मंत्री गडकरी जी आए और लगभग 1.5 करोड़ जिसमें बगहा फ्लाईओवर और आपको रामपुर चेकपोस्ट मंगलपुर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया गया। उसके बाद जनता के बीच ये खबर आई कि इसका टेंडर नहीं हुआ है। जिला के अनुमंडल के प्रांगण में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सम्मिलित है पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष पूरे कार्यकर्ता से लेकर हमारे प्रभारी महोदय राजदेव चौधरी जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। हम लोग अभी 3 मुद्दा को लेकर यहाँ पर पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें शिरकत करने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे और इस दौरान मंगल पांडे ने कहा कि आज पूरी दुनिया और बिहार कोरोना से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में जिस कार्य की जानकारी दी जा रही है उन कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य स्वयंसेवक कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के साथ जुड़ के काम करती है, समाज में लोगों को जिस सेवा की ज़रूरत होती है उस सेवा को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करती है। आज संपूर्ण दुनिया देश और अपना राज्य जब कोरोना से लड़ रहा है जूझ रहा है, ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर प्रशिक्षित करके जो कोरोना के हमारे मरीज हैं उनको तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, सुझाव दिलवाने के लिए, उनको मदद करने के लिए जो सारे कार्य किए जा सकते हैं वैसे कार्यों की जानकारी दी जा रही है। और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह आज पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम जेडीयू के संगठन को और मजबूत करेंगे। इनके आने से हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व में हमारे आस्था व्यक्त किया है, विश्वास व्यक्त किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बाबू के नेतृत्व में उन्होंने आस्था व्यक्त किया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसद चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका दिया है। शाहबाद क्षेत्र की राजनीति के बड़े चेहरे पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने लोजपा छोड़कर अब जदयू का दामन थाम लिया, यानी कि उनकी वापस जदयू में घर वापसी हुई है। पटना के जदयू कार्यालय में मिलन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद थे। आज महीना पहले
विधानसभा का चुनाव हुआ था और कोरोना संख्या विधानसभा के चुनाव के वक्त हम दल से वैधानिक मतभेद के कारण अलग जरूर हो गए थे, दल से चले गए थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी और ललन जी के पास से भगवान जी की सुहाग करते हैं। आप सब भाइयों पुत्रों और विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं श्री भगवान सिंह जी की घर वापसी हुई है, उस वापसी के लिए उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी है, जो सब लोगों को संगठन का एक अलग अनुभव है। उन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश के संगठन को सर्व देने का काम किया है। पूरी उम्मीद करते हैं कि यह पहला भाषण है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के बनने के बाद इस तरह से। बेगूसराय के टेगड़ा गौशाला के 110वीं स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान वहां पहुंचेंगे। ये आपको बता दें, स्थापना दिवस कल है और इसलिए कर टेगड़ा गौशाला का में तमाम तरीके की जो कार्यक्रम है वहां पर चल रही है, तमाम योजनाएं चल रही है, तमाम चीजें वहां पर देखी गई है। और साथ ही साथ क्योंकि बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे, तो ऐसे में तैयारी भी बेहद खास है। तो बता दें कि आज टेगड़ा गौशाला का 110वां स्थापना दिवस कल है, जिसको लेकर आज पूरी तैयारी कर ली गई है। और बता दें आपको कि कल सुबह 11 बजे के आसपास राज्यपाल फागू चौहान टेगड़ा पहुंचेंगे। 8 अगस्त को महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी 11:30 बजे गौशाला परिसर में पधारेंगे। उनके आगमन को लेकर गौशाला परिवार पूरी तैयारी कर रहा है। जब वो यहाँ आएंगे तो उनको गौशाला निरीक्षण कराया जाएगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसके बाद उनको मंचासीन किया जाएगा, फिर स्वागत गान है उनके सम्मान में। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, ककर दादी के छत का पापड़ भी ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाहवाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा। बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो, क्यों गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए,
रहो सिर्फ सैनिटरी पैड से, खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत डीटीवी भारत में आपका, बढ़ते हैं खबरों में आगे। बगहा में आग लगने से घर जलकर खाक हो गया, जिसमें सामान तो जला ही साथ ही चार पशु भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, तो वहीं परिजनों का कहना है कि हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, लेकिन न कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा न कोई प्रशासनिक सेवा मिली है। घर से रही बर्बाद। आग कैसे लगा? आग कुछ चिंगारी से लगा। क्या क्या जलाई सर? इसमें कुछ पैसा वैसा जर गिल बा, बिछौना जर गिल बा, इसमें बुढ़वा बुढ़िया रही नहीं सर। आ लोग जुटल तो बुताल उतावल, हम जर गए, हमने जाकर बैठ गए, हाथ हमारे दोनों जर गिल बा, पैर जर गिल बा। और सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट घोषित होते ही कई छात्र खुश तो हैं, तो वहीं कई छात्र ऐसे हैं जो कम अंक को पाकर आक्रोशित हैं। और इसी कड़ी में दरभंगा में 10वीं के छात्रों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। छात्रों की मांग है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को भी इस बात का कि उनको मार्क्स कम आया है, हम उनके सेंटीमेंट को समझते हुए मैं उनके साथ हूँ। और बाकी कोई भी बच्चा अगर ये बोलता है कि मेरा मार्क्स कम है, तो आपने देखा होगा जब 3 महीना पहले जब CBSE ने इस तरह के प्रोटोकॉल को बनाने की कोशिश की थी, उसमें उसने लिखा था कि अगर कोई भी बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो एग्जामिनेशन दे सकता है और अपने रिजल्ट को अच्छा कर सकता है। रिजल्ट आए हैं इसे वे नाखुश हैं। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के सवाल पर 10 अगस्त को दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष भाकपा माले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगी। बता दें कि भाकपा माले ने गांव में बाढ़ पीड़ितों की एक बैठक बुलाई। बैठक को संबोधित करते हुए माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत देने से भाग रही है। बक्सर के डुमराव नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार विश्वास में बदल गया। हालांकि उप मुख्य पार्षद रामाशंकर राय विश्वास हासिल करने में विफल रहे, और इस बाबत मिली जानकारी के मुताबिक भागमणी देवी के पक्ष में 18 पार्षदों ने मतदान किया, जबकि उनके विपक्ष में कुल 7 पार्षद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्य पार्षद रामाशंकर राय के विरोध में 13 लोगों ने, जबकि समर्थन में 12 लोगों ने मतदान किया। और मिथिला की सुप्रसिद्ध मां श्यामा मंदिर के दहलीज पर मंदिर के पुजारी ने एक महिला भक्त को बाल से पकड़कर पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले पीड़िता मंदिर में पूजा करने की जिद कर रही थी और पुजारी द्वारा बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रही थी, जिससे नाराज पुजारी महिला को थप्पड़ मारने लगे। वहीं इस वीडियो की पुष्टि करते हुए मंदिर प्रबंधक ने कहा कि किसी महिला के साथ इस तरह की घटना करना उचित नहीं है, इसलिए तत्काल पुजारी को मंदिर के काम से अलग कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच अब मंदिर की कमेटी करेगी, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। उसकी जो एक्टिविटी है वो गेट पर जाती है और गेट को, चूंकि कोविड के कारण गेट बंद है, और गेट को तोड़ने की प्रयास करती है और महिला को रोकने के लिए पंडित जी आते हैं, और पंडित जी जो ही रोकने के लिए आते हैं तो पंडित जी को ही वो पकड़ के अपनी तरफ भेजने लगती है। उस बचाव के लिए पंडित जी जो प्रक्रिया की है, जो हम लोग बैरों में देख रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है उस स्थिति की हम लोग पूरा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और उनको हम लोगों ने सोकॉज किया है, तत्काल कार्य से उनको हम लोग अलग कर दिए हैं। फिर कमेटी की बैठक होगी, सभी कमेटी के पदाधिकारियों मेंबर को हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसके बैठक करके जो उस पर निर्णय।
दरभंगा में एम्स निर्माण की घोषणा के 5 साल बीत जाने के बावजूद जब दरभंगा एम्स का शिलान्यास तक नहीं हुआ, तो ऐसे में सरकार को निद्रा से जगाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन यानी कि एमएसयू ने एक अनोखे अंदाज में मुहिम छेड़ी है। राम मंदिर निर्माण की तर्ज पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य एम्स निर्माण के लिए आम लोगों से घर घर जाकर एक ईंट की मांग कर रहे हैं ताकि एम्स निर्माण की तरफ सरकार का ध्यान जाए और जल्द से जल्द एम्स का निर्माण हो सके। देखिए, हम लोग 1 तारीख को आम जनमानस के साथ और मिथिला स्टूडेंट के सभी पदाधिकारी एक साथ बैठ के हम लोगों ने विचार किया जो सरकार का जो प्रस्तावित एम्स है, बिहार का दूसरा एम्स, वो जल्द से जल्द अब उसका शिलान्यास करें। लेकिन सरकार आज चिन्ह निंद्रा में सोई हुई है। मिथिला के साथ शुरू से ही सरकार, मगधी सरकार और ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो शुरू से सौतेलापूर्ण व्यवहार करते आ रही है। हम लोगों ने इस सरकार की तानाशाही रवैया को देखते हुए हम लोगों ने ठाना है जो हम लोग घर घर जाएंगे, ईंट मांगेंगे और एम्स का शिलान्यास खुद करेंगे। धौलपुर के दियारा में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दियारा के निचले हिस्से में नदी का पानी फैल गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में लगी सब्जियों को काफी नुकसान है, तो वही किसान भी इससे परेशान है। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच के द्वारा पाकिस्तान में मंदिर में किए गए तोड़फोड़ का विरोध जताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला दहन किया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को पाकिस्तान में स्थित भगवान गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की गई और इसी के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई। और निरसा में छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज और बर्बरता से पूरा कोयलांचल के छात्र आक्रोश में हैं। हर तरफ छात्र छात्राओं के समर्थन में राजनीतिक दल सड़क पर उतरे हैं, तो खुद छात्र छात्राएं भी इस तरह की घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र छात्राओं ने बीएसके कॉलेज मैथन में तालाबंदी कर दी और जोरदार प्रदर्शन किया है। तो जुलूस की शक्ल में संजय चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को तत्काल निलंबित करने की मांग की। धनबाद में जज की मौत मामले में सीबीआई की टीम ने रणधीर वर्मा चौक पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर घटनास्थल का जायजा लेते हुए सीबीआई की सीएफएसएल टीम अपने स्तर से सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। तो बताते चले कि 28 जुलाई की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर होने के बाद मौत हो गई थी, जिसमें राज्य सरकार की एसआईटी टीम और जिला पुलिस ने मामले की जांच की और फिलहाल पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी है। एसडीएम साहब इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, हटिया रायगढ़ जेल की आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि एशिया का चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के बीच तकरीबन 539 औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी और एशिया के अध्यक्ष एकमात्र अध्यक्ष पद के लिए मतदान कर रहे हैं और इस बार सभी पदों पर सर्वसम्मति से सदस्यों का चयन किया जा सकता है, लेकिन केवल एक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें संतोष खेतान और राजीव रंजन मुन्ना के बीच सीधी टक्कर है। दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चुनावी प्रक्रिया चली और इसके बाद मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये जो इलेक्शन हो रहा है वो स्वस्थ इलेक्शन हो रहा है और ऐसा इलेक्शन जरूर होना चाहिए। अगर लगातार इलेक्शन नहीं हो तो संस्था जो है ना धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगता है और स्वस्थ इलेक्शन जैसा एशिया में हो रहा है हम इसको बहुत ही अच्छा। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।